हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्क ने जो वैकेंसी आपकी निकाली है वर्क असिस्टेंट के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है जॉब रास्ता की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको इसकी सभी डिटेल आपको हमने अवेलेबल करा दी हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सिंपली 10th क्लास पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी एज क्राइटेरिया की, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे साइन अप का, और आपको एक मिलेगा लॉगिन का। तो आप यहाँ पर सबसे पहले साइन अप करेंगे यदि न्यू कैंडिडेट हैं, और यदि आपने पहले रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से सीधे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है। एक है आपकी सबसे फर्स्ट में, वो है आपकी मेल आईडी। तो आपकी जो भी एक्टिव मेल आईडी हो, वैलिड मेल आईडी हो, वही डालिएगा। इस पर आपको पासवर्ड मिलने वाला है। इसके बाद है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का जरूर ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको अपना फर्स्ट नेम ही यहाँ डालना है, फुल नेम नहीं डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स ये डेट ऑफ बर्थ सेक्शन है, तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ईयर मिल जाएगा, यहाँ से आपका मंथ मिल जाएगा, और ये डेट मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स है स्टेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो जन्म है वो कहाँ किस राज्य में हुआ है, तो वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, ये है आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। यदि आपने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा रखा है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर उस रोजगार कार्यालय के रजिस्ट्रेशन नंबर को बिल्कुल सही सही आपको एंटर करना है। यदि आप नहीं है इसमें, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, पर यदि आपके पास है तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको लिखना है। एडिटेज आपको जैसा दिया गया है ये सेम लिखिए। यहाँ पर सभी डिटेल चेक कर लीजिए, सभी डिटेल सही होनी चाहिए, और इसके बाद यहाँ से आप रजिस्टर टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है। बस आपको करना क्या है, आप दोबारा से यहाँ पर इस लॉगिन टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपकी मेल आईडी है वो आपको डालना है। इसके बाद जो आपके मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको डालना है। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालना है, और यहाँ से आपको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले ही आपसे यहां पर जो है आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। तो आपको जो एक करंट पासवर्ड है, मतलब जो आपके मेल पर आया है, वो आपको यहां डालना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना है। न्यू पासवर्ड जो है आपका 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका उसमें होना चाहिए, तो ही आप इसको जो है आगे प्रोसेड कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है पासवर्ड जनरेट करने के लिए, तो फ्रेंड्स वो आप यहां से जनरेट कर ले, और उसके बाद यहां पर इसको दोबारा से आप एक बार डाल दें, और यहां से नीचे जो आपको कोड दिया गया है, इस कोड को आपको डालना है। इसके बाद यहां से इसको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने पूरा डेस्क यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अकाउंट, माय अकाउंट वाला सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन का है, मेक पेमेंट का है, सभी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन में मिलेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो यहाँ पर देखिए उस एडवर्टाइजमेंट नंबर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पोस्ट है, इस पोस्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप करिए सर्च। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो ओपन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए आधार कार्ड सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके आधार कार्ड का ही है। तो आपका आधार कार्ड यदि आपके पास है, तो आप यहाँ पर उसके 12 डिजिट का जो नंबर है वो आप यहाँ दे सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद है नेम इन फुल, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना होगा, यहाँ से आप उछाड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी नाम है पूरा वो आपको यहाँ लिखना है, तो अपना पूरा नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। कैपिटल अक्षर में हम इसको यूज़ करते हैं, तो कैपिटल अक्षर में ही एक बार इसको लिख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी हमने यहाँ लिख दी। इसके बाद आपका रिलीजन है, तो यहाँ से देखिए रिलीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स प्लेस, यदि आप अदर सेलेक्ट करते हैं, तो आपको बताना होगा कि इसके अलावा आपका धर्म कौन सा है, तो ये सिर्फ आपके रिलीजन के लिए है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि शो कर रही होगी, जिससे भी आपने रजिस्टर किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जेंडर है, तो यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस है, सिंगल, मैरिड, या फिर आप विडो, डिवोर्सी, जो भी है वो अपना सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद है कि आप क्या एससी, एसटी, ओबीसी बिलोंग करते हैं। यदि आप फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ पर करेंगे नो।
और यदि आप आते हैं ओबीसी में या फिर आते हैं एससी में या फिर आते हैं एसटी में तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है आपका सब कास्ट का, ये तो है आपकी कैटेगरी कि आपके जो कास्ट है वो आपकी ये है, उस कास्ट के अंदर भी जो आपकी कास्ट होती है सब कास्ट होती है वो आपको यहाँ पर शो करनी होगी। तो यहाँ पर आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें देखिए आपकी जो कास्ट है सब कास्ट है वो क्या अंकित है, किस नंबर का आपका कोड है, तो वो आपको सब कास्ट यहाँ पर शो करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट डिटेल की जो कि है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यदि आप इसमें आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आप यहाँ नो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के निवासी 1984 के दंगों में मरने वाले परिवार के सदस्य, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल होते हैं इसमें। तो यदि फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो 10 नंबर पॉइंट है वो है आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का, यदि आप इसमें आते हैं तो आपको यस करना होगा और यहाँ पर बताना होगा कि आप क्या हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में, जैन है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, मुसलमान है, क्या है, वो आपको यहाँ लिखना होगा। यदि आप इसमें नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर करेंगे नो। इसके बाद है आपका फिजिकल हैंडीकैम का, यदि आप इसमें यस करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको बतानी है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको बतानी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बतानी है। यदि इसमें भी आप नहीं आते हैं तो फिर नो करेंगे। सेम आपको यही भूतपूर्व सैनिक का है, यदि आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। और फिर आपके बाद यहाँ पर सर्विस नंबर और एम्प्लॉय टाइप आपको यहाँ बताना होगा, अगर नहीं आते हैं तो सेम वही नो करना है। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो है कर्मचारियों के लिए है, तो वो भी आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपके जो है मेधावी खिलाड़ियों के छूट का दावा अगर आप पेश करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, यदि आप खिलाड़ी नहीं हैं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सेव ड्राफ्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमारा कम्युनिकेशन का है। तो अगर आपका सर्वर एरर बोलता है या फिर आपको सेशन एक्सपायर्ड बोलता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा और थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी इसमें थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लिया है तब जाके ये सेकंड जो है ऑप्शन मेरा ओपन हुआ है। तो बार बार में सेशन एक्सपायर्ड हो रहा है क्योंकि ये सर्वर की प्रॉब्लम है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आराम से धीरे धीरे, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है फॉर्म, आपकी साइट धीरे सही हो जाएगी और आप इसको आराम से फिल कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपका एड्रेस है पूरा वो आपको लिखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी सिटी जो है वो मेंशन करनी है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मेंशन करना है, आपका जो स्टेट है वो आपको मेंशन करना है, आपका पिन कोड आपको मेंशन करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप इस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल आपकी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। यदि ये अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये 15वां नंबर का पॉइंट है ये क्या है कि अगर आपका कोई भी जो घर का रिश्तेदार है या फिर कोई सदस्य है वो आपका एटॉमिक एनर्जी में काम करता है पहले से ही, तो आप उसका नाम दे सकते हैं, आपका रिलेशन दे सकते हैं, यूनिट नेम दे सकते हैं किसमें वो काम करते हैं और किस पोस्ट पर काम करते हैं, वो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। पर यदि कोई भी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दोबारा सेव ड्राफ्ट करना है और उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद फ्रेंड जो आपका थर्ड स्टेप है वो आपके क्वालिफिकेशन का है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 10th की डिटेल डालना आपका जो है नेसेसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि इसी से बेस पे आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ से देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स स्ट्रीम डिसिप्लिन या सब्जेक्ट है तो देखिए विद मैथ एंड साइंस है और विदाउट मैथ एंड साइंस है, तो हमारे पास विद मैथ एंड साइंस है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है मैक्सिमम मार्किंग, तो आप अपनी मैक्सिमम मार्किंग लीजिए। इसके बाद मार्क ऑप्टेन आपको यहाँ लिखना है तो मार्क ऑप्टेन लिखिए, परसेंटेज आपकी आ जाएगी, रिमार्क आपका आ जाएगा, ड्यूरेशन ईयर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर एक कर सकते हैं कि एक साल का आपका जो है ये रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स 12th की डिटेल है, यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो मत दीजिए, आपकी 10th यहाँ पर नेसेसरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, CGPA है, तो वो आपको जो है यहाँ पर कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और रेस्पेक्ट टू मानना है इसमें 100 को, मतलब बेस इसमें मानना है आपको 100 को, और उसके बाद अपनी जो परसेंटेज है वो आपको काउंट करनी है और आपको लिख देना है। यदि फ्रेंड्स अगर आप जो आवेदक है या फिर आप जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इस समय कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, उस कोर्स का नाम कि आप क्या कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम, फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है उस कोर्स की, नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने आपके कंप्लीट हो चुके हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी क्या है अभी तक, वो आप यहां पर दे सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है वो एक्सपीरियंस का है। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, पर फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस दे सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप छाँटना होगा किस टाइप में आपके पास एक्सपीरियंस है। नेम एंड एड्रेस आपको देना है एम्प्लॉयर का, ठीक है। आप एम्प्लॉय होते हैं और जहाँ पर आप काम करते हैं वो एम्प्लॉयर होता है। उसके बाद पोस्ट हेल्ड, क्या आपकी पोस्ट थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, आप क्या काम करते थे, पीरियड ऑफ सर्विस आपसे कब से कब तक रही है, परमानेंट थे आप टेम्प्रेरी थे, और अगर रीजन ऑफ लीविंग आपका क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कोई अन्य सूचना, कोई अन्य एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़िए और सेव ड्राफ्ट करके कंटिन्यू आप कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शन है वो आपकी फ़ोटोग्राफ का है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करनी है ब्राउज़ के माध्यम से। ये सिक्योरिटी कोड आपको डालना है। फ़ोटो आपका साइज़ देखिए मैक्सिमम जो साइज़ है वो 45 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डायमेंशन आपको दी गई है 160:210 इन डायमेंशन, तो ये आपका अप्रोक्स इतना होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, यदि अपलोड हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप अपनी जो फोटो है उसको ओपन करेंगे पेंट में, और पेंट में ओपन करने के बाद आपको कंट्रोल W दबाना है, या फिर आपको जो ऊपर देखिए यहाँ पर रिसाइज का एक टैब मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन दिखाई देगा पिक्सल का, तो आपको इस पिक्सल पर क्लिक करना है और ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जो है इसको आपको अनटिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपसे वहाँ पर मांगा गया है जैसे 160 और वर्टिकल आपसे 210 तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो पिक्सल है वो आपका सेट हो जाएगा, इसको आप सेव कर सकते हैं या फिर फाइल पर जाकर सेव एज के माध्यम पर JPG इमेज पर क्लिक करके आप इसको सेव एज कर सकते हैं और वहां पर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर ब्राउज के माध्यम से उसको अपलोड कर दीजिए फोटो को, ये सिक्योरिटी कोड डालिए, यहां पर इस अपलोड सेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहां पर अपलोड होने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए अपलोड सेक्शन पर जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर आपको शो करेगी और उसके बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर दें। यदि फ़ोटो शो नहीं करती है तो आप दोबारा ट्राई करें और उसको अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शन है वो है आपका सिग्नेचर का, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिग्नेचर आपके अपलोड करने हैं, तो वही सेम आपको ब्राउज करना है, अपनी जो यहाँ पर सिग्नेचर आपने सेव किया है उसको आपको ओपन कर लेना है। सेम यही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिग्नेचर के साथ करना है, इसको आप अपलोड कर देंगे। इसका ये डायमेंशन आपको यहाँ पर देख लेना है, यदि डायमेंशन नहीं भी चेंज करते हैं तो भी आपकी फ़ोटो यहाँ पर ये साइन है वो अपलोड हो जाएगा, पर अगर नहीं होता है या फिर कोई आप क्रैक शो करता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी डिटेल हमने फिल कर ली हैं और लास्ट स्टेप पर हम आ चुके हैं जो कि इसके लास्ट सबमिशन का है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी गलती आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर डिक्लेरेशन पर, और उसके बाद यहाँ से आपको कर देना है कंटिन्यू टैब पर क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो पूरा आपको यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं, कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। जबकि मैं आपसे कहूँगा जब जब आप स्टेप को आगे प्रोसीड करें उस स्टेप की सभी डिटेल को चेक कर लें, कोई भी उस स्टेप में गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइट सर्वर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स बार बार में आपको अप्लाई करने या बैक जाने की जरूरत नहीं होगी, आपका जो है स्टेप बाय स्टेप इसको सही भरते चलिए और आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही भरता हुआ जाएगा। और लास्ट में आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड जो भी है आपका, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ से इसको सबमिट करके इसको फाइनल सबमिट कर देना है। वहां पर सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेव्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आपका जो पेंडिंग रह रहा है वो है आपकी प्रोसेसिंग फीस या एप्लीकेशन फीस। तो इसके लिए आप दोबारा से माई अकाउंट वाले सेक्शन में आइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा मेक पेमेंट का, तो आपको इस मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फी पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। तो एप्लीकेशन नंबर आपसे यहाँ मांगा गया है तो आपको इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट पे, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाएगा और ये आपकी मेल आईडी पर भी पहुंच चुका होगा। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट ऑर्डर नंबर, आपकी जो रकम है और आपकी जो मेल आईडी है वो सभी यहां पर शो हो रही होंगी। अब आपको जो कंटिन्यू का जो ये टैब दिख रहा है इस पर क्लिक करना है जिससे हम नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंच सकें।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है फ्रेंड्स इसकी, वो आपके पेमेंट गेटवे की है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है आपके और क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। यदि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो अपना कार्ड नंबर, उसका जो वैलिड डेट है, उसके सीवीवी नंबर है और जो कार्ड होल्डर नेम है वो आप डाल दीजिए, पे नाउ कर दीजिए। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग यूजर है तो आप अपना बैंक का यूज कर सकते हैं, किसी भी बैंक का, और उसके बाद आप यहाँ से इसको पे नाउ करके अपनी फीस को जमा करा सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी फीस जमा करा देंगे, अब आपको चलना होगा फिर इसके होम डेस्क पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा माई एप्लीकेशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्टली जैसे वहाँ पर आपने पेमेंट किया उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर आप माई एप्लीकेशन सेक्शन पे आइए और यहाँ पर आकर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डेस्क ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन का, तो आपको जो प्रिंट एप्लीकेशन टैब दिया गया है इस प्रिंट एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करना है, जिससे जो आपका एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रिंट निकालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी सभी डिटेल सही लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आना है, वहाँ पर आपको इसकी सभी डिटेल शॉर्ट में हमने आपको अवेलेबल करा दी हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।